हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लिपर्स के बारे में स्टडी करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा रिकॉल करा देती हूँ कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डायोड कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। हमने देखा था कि डायोड कॉन्फ़िगरेशन तीन तरह की थी, सीरीज़, पैरेलल एंड सीरीज़ पैरेलल। हमने इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे और उनके रिज़ल्ट फाइंड आउट करे थे। चलिए फिर आगे की तरफ मूव करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा क्लिपर्स। क्लिपर्स का मतलब होता क्या है? क्लिपर्स का मतलब होता है कि हम अगर इनपुट पर कोई साइन वेव अप्लाई कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आउटपुट पर उस इनपुट वेव फॉर्म का एक पर्टिकुलर पार्ट क्लिप्ड हो जाए, यानी कि एक पर्टिकुलर पार्ट हट जाए और बाकी इन्फॉर्मेशन में कोई डिस्टॉर्शन ना हो, एज इट इज़ हमें इन्फॉर्मेशन आउटपुट पर मिल जाए, तो हम कहते हैं कि हमने यहाँ क्लिपर का यूज़ किया। क्लिपर का मतलब होता है कि क्लिप अ पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द इनपुट वेव फॉर्म। इसमें हम डायोड का यूज़ करते हैं, क्लिपर के अंदर हम डायोड का यूज़ करते हैं। आपको जो एग्ज़ाम में बुकिश जो लैंग्वेज में डेफिनेशन लिखनी है वो ये है, जो बुकिश लैंग्वेज है वो है आपकी, क्लिपर्स आर द सर्किट दैट यूज़ डायोड। जैसा मैंने भी बताया कि इसमें हम डायोड का यूज़ करते हैं, टू क्लिप अवे अ पोर्शन ऑफ एन इनपुट सिग्नल विदाउट डिस्टॉर्टिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द अप्लाइड वेव फॉर्म। मतलब इसमें एक पर्टिकुलर पोर्शन इनपुट वेव फॉर्म का हटा दिया जाता है, बाकी इन्फॉर्मेशन जो है इनपुट सिग्नल की वो एज इट इज़ आउटपुट पर सेम मिल जाती है बिना किसी डिस्टॉर्शन के। तो यहाँ पर हमें जो इम्पॉर्टेंट याद रखना है वो ये कि विदाउट डिस्टॉर्टिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द अप्लाइड वेव फॉर्म, मतलब बाकी इन्फॉर्मेशन हमारी सेम ही रहती है। अब क्लिपर होते कितने तरह के हैं? क्लिपर्स आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका सीरीज क्लिपर्स और एक होता है आपका पैरेलल क्लिपर्स। क्लिपर्स दो तरह के होते हैं, सीरीज क्लिपर्स और पैरेलल क्लिपर्स। सीरीज क्लिपर का मतलब क्या होता है कि डायोड इज इन सीरीज विद द लोड, लोड के साथ डायोड सीरीज में लगा होगा, वो होगा आपका सीरीज क्लिपर्स। पैरेलल क्लिपर्स क्या होते हैं? जिसमें डायोड इज इन पैरेलल विद द लोड, डायोड जो है वो आपका लोड के साथ पैरेलल में लगा होगा, ठीक है। अब सीरीज क्लिपर का डायग्राम देख लेते हैं। इसमें ये आपका डायोड है, डायोड जो है वो लोड के साथ, ये RL आपको पता है क्या होता है, लोड रेजिस्टेंस, Vin है हमारा इनपुट वोल्टेज, VO है हमारा आउटपुट वोल्टेज। तो अभी हम बात कर रहे हैं इसकी, सीरीज क्लिपर की। तो सीरीज क्लिपर में क्या है, डायोड लोड रेजिस्टेंस के साथ या फिर ये कह लो लोड के साथ सीरीज में लगा रहता है, तो उसे हम कहेंगे सीरीज क्लिपर, ठीक है। पैरेलल क्लिपर में क्या होता, इसी में मैं पैरेलल बता देती हूँ आपको, और ये आपको याद रखना है, RL मतलब लोड रेजिस्टेंस, वी इन जो इनपुट पर अप्लाई किया जा रहा है इनपुट वोल्टेज, वी ओ जो आउटपुट पर अप्लाई किया जा रहा है दैट इज आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। मैं सिर्फ कर देती हूँ, पैरेलल क्लिपर में क्या होगा, पैरेलल के अंदर ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा, साथ साथ ये हमारा डायोड हो जाएगा, ये हम इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं और यहाँ पे हम आउटपुट वोल्टेज ले रहे हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो डायोड के साथ हमारा पैरेलल में लगा हुआ है, ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस डायोड के साथ पैरेलल में लगा हुआ है, इसीलिए इसका नाम होता है पैरेलल क्लिपर, ठीक है। तो आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि सीरीज क्लिपर में लोड के साथ डायोड सीरीज में लगा रहेगा और पैरेलल क्लिपर में डायोड लोड के साथ पैरेलल में लगा रहेगा, ठीक है। अब एक एक करके वन बाय वन हम सीरीज क्लिपर और पैरेलल क्लिपर के बारे में डिटेल्स में देख लेते हैं कि क्या होता है। तो पहली हेडिंग है आपकी सीरीज क्लिपर।
ये है हमारा सीरीज क्लिपर का डायग्राम। इसमें हमने क्या करा, डायोड को सीरीज के में लगाया है लोड रेजिस्टेंस के साथ, तो हम इसे बोल रहे हैं सीरीज क्लिपर। इसमें क्या हो रहा है, इनपुट पर हमने एक रेक्टेंगुलर वेव अप्लाई करी है, जिसमें ये इनपुट वोल्टेज है और ये रेक्टेंगुलर वेव है हमारी। इसमें हम पूरी एक साइकिल की बात कर रहे हैं अभी, जीरो से लेकर के टी तक। उसका आउटपुट जो रिज़ल्ट है वो कुछ इस तरह आ रहा है। तो चलिए एक एक कर देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। जब आप इनपुट पर पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई कर रहे हो, यानी कि जब आप इनपुट पर इतनी वेव फॉर्म दे रहे हैं, उस टाइम क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये डायोड के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो रहा है, ये नेगेटिव है, उस टाइम यहाँ पे हमारा जो इसका सर्किट डायग्राम है वो कुछ इस तरह बनेगा। जब इनपुट पर हमने पॉजिटिव वेवफॉर्म दी है तो वो डायोड के पॉजिटिव के साथ जाके कनेक्ट हो रही है। उस टाइम हमें पता है कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं तो डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस की तरह वर्क करता है, और फॉरवर्ड बायस में वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो हम इसे शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे और फर्दर आगे रेजिस्टेंस लगा देंगे। ये हो गया कुछ इस तरह। ये हमारा आउटपुट वोल्टेज है वी आउट, और ये है हमारा इनपुट वोल्टेज वी इन। यानी कि जब हमने इनपुट पर पॉजिटिव वेव दी है तो हमें पूरा का पूरा पॉजिटिव वेव आउटपुट पर मिल जाएगा वी इन की शेप में, जो कि हमने यहाँ शो कर रखा है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पॉजिटिव डायोड के पॉजिटिव से कनेक्ट है और डायोड एक्ट एज अ फॉरवर्ड बायस, और वो रिप्लेस हो जाएगा शॉर्ट सर्किट से और करंट कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और आउटपुट पर हमें पूरी की पूरी वी इनपुट वोल्टेज एज इट इज़ मिल जाएगी इस तरह से। ठीक है, ये तो बात रही जब हमने इनपुट पर पॉजिटिव वेव फॉर्म दी। अब जब हम इनपुट पर नेगेटिव वेव फॉर्म दे रहे हैं तब क्या हो रहा है, अब इसको मैंने चेंज कर दिया, साइन मैंने रिवर्स कर दिया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं। तो जब हम नेगेटिव दे रहे हैं वेव फॉर्म, तो नेगेटिव डायोड के पॉजिटिव से कनेक्ट है, यानी कि हमारा डायोड रिवर्स बायस हो गया, और रिवर्स बायस में हमें पता है डायोड को हम रिप्लेस कर देते हैं ओपन सर्किट से। तो मैं इसी में चेंज कर देती हूँ, जब हम नेगेटिव वेव फॉर्म दे रहे हैं तो डायोड हमारा रिप्लेस हो गया ओपन सर्किट से, और करंट इसमें कंडक्ट नहीं करता क्योंकि सर्किट ओपन है, ओपन सर्किट में कभी भी करंट फ्लो नहीं करता। तो आउटपुट पर जो हमें वोल्टेज मिलेगी वो ज़ीरो मिलेगी, यानी कि इसमें जो अब आउटपुट पर हमें वोल्टेज मिलेगी वो ज़ीरो मिलेगी। ठीक है, यानी कि हमने इस पर्टिकुलर पार्ट को क्लिप्ड कर दिया, ये हमारा होता है सीरीज क्लिपर। ठीक है, एक और इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारा दूसरा एग्जांपल है सीरीज क्लिपर का। इसमें हमने क्या करा है, इसमें हमने बैटरी का यूज़ करा है, साथ साथ हमने डायोड लगाया है, ये दोनों रेजिस्टेंस के साथ सीरीज़ में लगाए गए हैं। यहाँ पे डायोड जो है वो रेजिस्टेंस के साथ सीरीज़ में लगाया है, यानी कि ये सीरीज़ क्लिपर का एग्जांपल है। इसमें यहाँ पर हमने एक वी वोल्ट की बैटरी अप्लाई करी है। तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। इनपुट पर हम साइन वेव दे रहे हैं, जिसका पूरी साइकिल हमने एक ली है, ज़ीरो से लेके पाई से लेके टू पाई तक। इनपुट पर जब हमने ज़ीरो दे रहे हैं, उस टाइम क्या हो रहा है, जब हम इनपुट पर यहाँ ज़ीरो अप्लाई करते हैं तब, क्योंकि उस टाइम यहाँ पे ये डायोड कुछ इस तरह से, हम देखेंगे जब हमने इनपुट पर ज़ीरो अप्लाई करा है तो डायोड हमारा रिवर्स बायस है, यानी कि डायोड हमारा ओपन सर्किट है। तो जब हम इनपुट पर अप्लाई कर रहे हैं, जब ज़ीरो वोल्टेज दे रहे हैं, तो डायोड हमारा रिवर्स बायस है और ओपन सर्किट है, यानी कि हम इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, तब हमारा कोई भी करंट यहाँ नहीं मिलेगा आउटपुट के अक्रॉस, क्योंकि सर्किट हमारा ओपन हो गया। तो उस टाइम ज़ीरो देने पर हमें आउटपुट पर ज़ीरो वेव फॉर्म मिल रही है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम इनपुट पर वोल्टेज ज़ीरो से थोड़ा ज़्यादा दे रहे हैं, कितना, अब हम दे रहे हैं नेक्स्ट टाइम वी इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन वी, मतलब बैटरी की वोल्टेज वी से थोड़ा सा ज़्यादा दे रहे हैं, मतलब हम इस पोर्शन की बात कर रहे हैं। उस टाइम क्या हो रहा है, इनपुट की वोल्टेज को हमने थोड़ा ज़्यादा दिया वी से, तब हमारा जो डायोड है वो
पॉजिटिव से कनेक्ट हो रहा है और उस टाइम हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस में चला जाता है, यानी कि हम उसको डायोड को नाउ शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। अब हम जब इसे शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे तो इसका जो डायग्राम आएगा, पहले वाले का जो डायग्राम था वो आप बना लेना, वो इस तरह आएगा। डायग्राम सबके आपको इंडिविजुअल बनाने पड़ेंगे। जब हम 0 वोल्ट दे रहे हैं उस टाइम आउटपुट पर रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें 0 मिल रहा है, क्योंकि डायोड हमारा ओपन है, एज अ ओपन सर्किट बिहेव कर रहा है। जब जब इनपुट पर 0 दे रहे हैं, अब वी ग्रेटर देन वी का मैं बना रही हूँ। अब जब हम इनपुट पर वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं, ग्रेटर देन वी अप्लाई कर रहे हैं, मतलब जितना हमारे पास बैटरी है उससे ज़्यादा दे रहे हैं, तो उस टाइम डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। तो हमें आउटपुट पर जो रेजिस्टेंस है वो अब 0 नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। वो अब हमारा कितना होगा, वो हमारा होगा वी इन माइनस वी, क्योंकि ये तो हमारा वोल्टेज है, तो वो हो जाएगा हमारा वी इन माइनस वी। मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला वोल्टेज वी इन माइनस वी। जब हम V से ज़्यादा दे रहे हैं, हम इस पर्टिकुलर पार्ट की बात कर रहे हैं, तो हमें आउटपुट पर V इन माइनस V मिल रहा है, ठीक है। तो अब हमें ये वेव फॉर्म मिल रही है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट टाइम वोल्टेज को बैटरी के बराबर रख रहे हैं, मतलब अब हम जो वोल्टेज दे रहे हैं वो बैटरी के बराबर रख रहे हैं। V इन को हमने वोल्टेज के बैटरी के बराबर रखा, तब क्या हुआ हमारा, यानी कि दोनों सेम हो गए। इधर देखिए आप, ये दोनों अब सेम हो गए। नेक्स्ट टाइम इसको आपने V रखा, तो अब इसमें क्या हो रहा है, बैटरी और इनपुट वोल्टेज सेम है, यानी कि ये नेगेटिव पार्ट डायोड के पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो डायोड आपका अब रिवर्स बायस हो जाएगा। तो इसका जो डायग्राम होगा वो इस तरह होगा। जब हम V बात दे रहे हैं तब ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा डायोड, तो ये हमारा ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट में हमें पता है करंट फ्लो ही नहीं करता है, तो हमारा आउटपुट पर करंट अब हमें मिल जाएगा 0 वोल्ट। 0 वोल्ट यानी कि अब हमें कोई करंट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल की, कि जब हम इनपुट पर नेगेटिव हाफ वोल्ट दे रहे हैं, नेगेटिव वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, तब क्या हो रहा है, यानी कि आपने ये साइन जो है हम रिवर्स कर दिए इस तरह, ठीक है। अब ये नेगेटिव डायोड के पॉजिटिव से कनेक्ट है, यानी कि डायोड आपका रिवर्स बायस हो गया। रिवर्स बायस में ये ओपन सर्किट हो गया। जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल दे रहे हैं, तब क्योंकि ओपन सर्किट हो गया तो आउटपुट पर कोई करंट नहीं आएगा, क्योंकि सर्किट ही आपका ओपन है, तो कोई करंट मिलेगा नहीं, तो आउटपुट वोल्टेज हमारा 0 होगा। यानी कि पाई से लेकर के 2π तक पूरा नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारा आउटपुट जो है वो 0 रहेगा, ठीक है। तो इसमें हमने 4 केस देखे। एक तो जब हमने इनपुट वोल्टेज अप्लाई करा 0, तो उस टाइम हमें वेवफॉर्म 0 मिल रही है। फिर इनपुट वोल्टेज बैटरी की वोल्टेज से ज़्यादा रखा, तो हमें वेव शेप इस तरह से मिल रही है। जब इनपुट वोल्टेज बैटरी की वोल्टेज के बराबर रखा, बराबर रखने पर इस तरह से मिल रही है, और जब इनपुट वोल्टेज को हमने नेगेटिव रखा है, तब पूरी की पूरी साइकिल हमें रिवर्स बायस में ओपन सर्किट की तरह, यानी कि हमारा कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो आउटपुट पर करंट हमारा 0 आ रहा है, वोल्टेज 0 आ रहा है, तो हमें कोई भी वेवफॉर्म नहीं मिल रही है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। अब बात कर रहे हैं पैरेलल क्लिपर की। पैरेलल क्लिपर में हमने रेजिस्टेंस को डायोड के साथ पैरेलल में लगा दिया, ठीक है। इसमें इनपुट वोल्टेज है हमारा ये वी इन, आउटपुट वोल्टेज है वी आउट, और आर है हमारा रेजिस्टेंस। अब हम इनपुट पर हम रेक्टेंगुलर वेव दे रहे हैं, एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक बार नेगेटिव हाफ साइकिल। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल दे रहे हैं इनपुट पर, तो पॉजिटिव हमारे डायोड के पॉजिटिव, ये वाला पार्ट पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव हमारी डायोड के पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और रिप्लेस हो जाएगा शॉर्ट सर्किट में। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस तरह बनेगा। ये वी इन है
प्लस माइनस, ये आर है और ये वी आउट है प्लस माइनस। जब आपने पॉजिटिव वेव दी तो हमारा डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस्ड हो गया और रिप्लेस हो गया शॉर्ट सर्किट से। इट मींस कि करंट हमारा कंडक्ट करेगा और इसमें हमारा करंट मैक्सिमम जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब सारा का सारा करंट इसमें से चला जाएगा तो इट इज़ आइडियल डायोड। अभी ये आइडियल डायोड है, उस टाइम नो ड्रॉप अक्रॉस डायोड, तो हमारा आउटपुट पर वोल्टेज मिलेगा हमें ज़ीरो, जिसको हमने ऐसे शो करा है। मतलब हमें आउटपुट पर कोई वेवफॉर्म नहीं मिलेगी क्योंकि हमारा आइडियल डायोड है और यहाँ पे डायोड के अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम करते हैं इनपुट पर हम रिवर्स बायस वोल्टेज, इनपुट पर हम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो ये साइन हमारे चेंज हो गए। अब हमने साइंस को रिवर्स कर दिया, इनपुट पर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं दिस वन, तो हमारा जो सर्किट है उसमें क्या होगा, नेगेटिव हमारा डायोड के पॉजिटिव से कनेक्ट है तो डायोड हमारा रिवर्स बायस हो जाएगा और ओपन डायोड ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा कुछ इस तरह। तो हमें पता है ओपन में हमारा करंट फ्लो नहीं करता, तो जब ओपन में हमारा करंट फ्लो नहीं करेगा तो यहाँ पर सीधा का सीधा हमें करंट वो मिल जाएगा जो इनपुट पर है यहाँ पे। तो हमें इनपुट पर जो करंट है वो हमें आउटपुट पर मिल जाएगा, जो भी हम देंगे, जैसे अभी हम नेगेटिव वेव दे रहे हैं तो हमें पूरी नेगेटिव वेव फॉर्म आउटपुट पर मिल जाएगी। तो पैरेलल क्लिपर का जो वेव फॉर्म का जो डायग्राम है, जो आपकी वेव्स हैं वो इस तरह आएंगी, जब आप इनपुट पर ये वेव अप्लाई करेंगे इस सर्किट में तो आउटपुट पर हमें ये वेव मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायोड रिवर्स बायस था, ओपन सर्किट से रिप्लेस हो गया, तो जो हमने वेव्स अप्लाई करी थी नेगेटिव हाफ साइकिल, वो हमें आउटपुट पर एज इट इज सेम मिल गई पैरेलल में, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। पैरेलल क्लिपर का ये दूसरा एग्जांपल है, इसमें हमने रेजिस्टेंस लिया आर, डायोड लिया ये, और हमने एक बैटरी सप्लाई दी है डायोड के साथ सीरीज में, और बैटरी जो हमने दी है वी वोल्ट की, वो बैटरी और डायोड दोनों रेजिस्टेंस के साथ हमारे पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक है। ये वी इनपुट हमने इनपुट वोल्टेज दिया, ये आउटपुट वोल्टेज यहाँ हमें मिलेगा। हम इनपुट पर साइन वेव दे रहे हैं ज़ीरो से लेकर पाई तक पॉजिटिव हाफ साइकिल में, फिर पाई से लेकर टू पाई तक नेगेटिव हाफ साइकिल में, जिसकी पीक वोल्टेज को हमने वी एम से बताया है, और ये वोल्टेज हमारी जो अप्लाई कर रहे हैं बैटरी की वो वी वोल्ट है। ये इनपुट वोल्टेज है हमारा और ये हमारा आउटपुट वेव फॉर्म आई हुई है। चलिए वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब हम इनपुट पर ज़ीरो वोल्ट दे रहे हैं, मतलब हम कोई वोल्टेज सप्लाई नहीं दे रहे हैं उस टाइम, या हमने कोई वोल्टेज सप्लाई नहीं दी, तब डायोड का पॉजिटिव पार्ट बैटरी के पॉजिटिव पार्ट से कनेक्ट है। इट मींस उस टाइम डायोड आपका फॉरवर्ड बायस्ड है, तो इसका जो फॉरवर्ड बायस्ड है यानी कि रिप्लेस कर देंगे हम शॉर्ट सर्किट से। तो हम इसको रिप्लेस करके इसका जो डायग्राम है कुछ इस तरह आ जाएगा, ये प्लस माइनस वी इन और ये रेजिस्टेंस आर, और यहाँ पे आउटपुट हमें अब मिलेगा, ये हमारा वी वोल्ट की बैटरी है वी प्लस माइनस वी। अब जो आउटपुट हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा प्लस वी, क्यों? क्योंकि हमारा कुछ करंट इस तरह से फ्लो करेगा, ठीक है। तो जो हम देंगे इनपुट पर वो हमें आउटपुट पर मिलेगा प्लस वी। कब? जब हमने इनपुट वोल्टेज को ज़ीरो दिया तब, तो ये हमारा मिल रहा है प्लस वी, ठीक है। अब इसमें हम जब इनपुट वोल्टेज को दे रहे हैं क्या, ज़ीरो वोल्ट, ठीक है, तो उसका डायग्राम आपको ये बनाना है। अब हम इनपुट पर वोल्टेज देते हैं बैटरी वी सप्लाई देते हैं, तब क्या होगा इसका जो डायग्राम है, जब हम वी वोल्ट की बैटरी यहाँ अप्लाई करेंगे तब वो हमारा डायोड के नेगेटिव से कनेक्ट है, तब हमारा डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा और ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा इस तरह, जब हम वी वोल्ट दे रहे हैं तब। ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, मतलब इसमें करंट कंडक्ट नहीं करेगा उस टाइम। आई नॉट फ्लो, करंट नॉट फ्लो, तो नो ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, तो यहाँ कोई रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप ही नहीं होगा, तो हमें आउटपुट सेम मिलेगा एज इनपुट।
तो आउटपुट हमें सेम मिलेगा एज इनपुट, जो हम इनपुट पर दे रहे हैं इस तरह, ये वाला। कब? जब हमने इनपुट पर वी वोल्ट की बैटरी अप्लाई करी है, तो ये पॉजिटिव हमारा डायोड के नेगेटिव से कनेक्टेड, डायोड हमारा रिवर्स बायस हो जाएगा और ओपन सर्किट हो जाएगा, और करंट हमारा यहाँ पे सेम रहेगा, मतलब करंट फ्लो ही नहीं करेगा और कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा अक्रॉस रेजिस्टेंस, तो आउटपुट पर हमें इनपुट वोल्टेज सेम मिलेगा। तो हमने उसको ये शो किया है, ठीक है। अब आगे क्या कर रहे हैं हम, इनपुट पर वोल्टेज दे रहे हैं हम लेस देन वी। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, ये एक बार ऊपर गया तब, अब ये लेस देन वी दे रहे हैं हम, ये वाला पार्ट, ये लेस देन वी। तब क्या हो रहा है हमारा, जब हम इनपुट पर लेस देन वी वोल्टेज की सप्लाई दे रहे हैं, यानी कि ये लेस देन वी दे रहे हैं, तब नेगेटिव पार्ट डायोड के नेगेटिव से कनेक्ट है, तो डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा, तब हमारा करंट इसमें फ्लो करेगा और उस टाइम हमें आउटपुट पर जो वोल्टेज मिलेगा वो वी मिलेगा, ठीक है। आउटपुट पर हमें वोल्टेज मिलेगा वी, ठीक है। जब हमने वोल्टेज लेस देन वी दिया, तब डायोड हमारा नेगेटिव टर्मिनल लेस देन वी वोल्ट से कनेक्ट है, तो वो हमारा डायोड का नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट होके डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस्ड हो गया और रिप्लेस हो गया शॉर्ट सर्किट से, जिस कारण आउटपुट पर हमें वोल्टेज मिल गया वी, ये वाला पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम क्या कर रहे हैं, हम अब पूरी की पूरी साइकिल पे हम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि ये साइन हमने रिवर्स कर दिए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, मतलब अब हम इसकी बात कर रहे हैं पाई से लेके टू पाई तक। जब साइन ही हमारे रिवर्स हो गए, तो नेगेटिव हमारा डायोड के नेगेटिव से कनेक्ट हो गया, तो उस टाइम डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस्ड हो गया और शॉर्ट सर्किट हो गया, ये रिप्लेस कर दिया साइन हमने। सब कुछ मैं इसमें कर रही हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, आपको हर बार ये वाला डायग्राम इंडिविजुअल बनाना है। जैसे अगर इसको हम चार केस देख रहे हैं, वी इन ज़ीरो रख के, वी इन वोल्टेज वी रख के, वी इन लेस देन वी रख के, वी इन नेगेटिव हाफ वेव रख के, तो चार ही डायग्राम बनेंगे आपके। मैं इसमें रफ कर रही हूँ, आपको वो चार बनाने हैं, ठीक है। तो हम अभी इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि जब हमने नेगेटिव हाफ साइकिल दी, ये वाली, तब नेगेटिव डायोड के नेगेटिव से कनेक्ट है, तो डायोड आपका फॉरवर्ड बायस्ड हो गया और रिप्लेस हो गया शॉर्ट सर्किट से। तब हमें यहाँ पर पूरी की पूरी साइकिल पर प्लस वी वोल्टेज मिल जाएगा, ये पूरा पाई से लेके टू पाई तक पूरा हमें प्लस वी वोल्ट मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात रही आपकी पैरेलल क्लिपर की। अब हम आगे देखते हैं क्लैंपर्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे क्लैंपर सर्किट के बारे में। क्लैंपर सर्किट क्या होता है? एक्चुअली क्लैंपर सर्किट में आप कैपेसिटर, जो इसका एक मेन एलिमेंट है, वो हम यहाँ यूज़ करते हैं। कैपेसिटर हम क्लैंपर सर्किट में यूज़ करते हैं। हालांकि वैसे हम इसमें तीन एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन से, डायोड, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर। क्योंकि हम रेजिस्टेंस और कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की बात आएगी, तो इसमें टाइम कांस्टेंट की बात आएगी, जो कि हमारा, हमें पता है टाइम कांस्टेंट होता है टाउ, जिसकी वैल्यू रहती है आर सी, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं क्लैंपर सर्किट क्या होता है। क्लैंपर सर्किट का जो काम है वो है आपका कि एक पर्टिकुलर डीसी लेवल को शिफ्ट करना, या तो रेफरेंस लेवल से ऊपर शिफ्ट करना या रेफरेंस लेवल से नीचे शिफ्ट करना। लेकिन जो इसकी बुकिश लैंग्वेज आपको एग्ज़ाम में लिखनी है डेफिनेशन, वो है आपकी एक क्लैंपर सर्किट चेंजेस द डीसी लेवल ऑफ द सिग्नल टू द डिजायर्ड लेवल विदाउट चेंजिंग द शेप ऑफ द सिग्नल। क्लिपर में क्या हो रहा था, एक पर्टिकुलर पार्ट को हम क्लिप कर रहे थे, हटा रहे थे। इसमें क्या करेंगे हम, जो हमारा सिग्नल है उसको हम बाकी जो सिग्नल है उसको उसमें बिना कोई डिस्टॉर्शन करे एक पर्टिकुलर सिग्नल को एक रेफरेंस लेवल से या तो ऊपर रख ले जाएंगे या फिर नीचे ले जाएंगे, तो उसे हम बोलते हैं क्लैंपर सर्किट।
इसकी एक और डेफिनेशन है, वो है आपकी जो आपको इजी लगे आप वो लिख देना, चाहे ये चाहे ये। दूसरी जो डेफिनेशन है वो है आपकी, ए क्लैम्पर इज अ नेटवर्क कंस्ट्रक्टेड ऑफ ए डायोड ए रजिस्टर एंड अ कैपेसिटर। जैसे मैंने बताया क्लैम्पर एक ऐसा नेटवर्क है जहाँ आप डायोड रजिस्टर और कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, दैट शिफ्ट्स द वेव फॉर्म टू अ डिफरेंट डीसी लेवल विदाउट चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द अप्लाइड सिग्नल। ठीक है, मेन सर्किट एलिमेंट जो है आपके क्लैम्पर की वो है आपका कैपेसिटर, ये मेन सर्किट एलिमेंट है। और ऑपरेशन ऑफ ए क्लैम्पर सर्किट्री इज बेस्ड ऑन चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। क्योंकि हम कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं तो क्लैम्पर सर्किट्री जो बेस्ड है वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैपेसिटर पर बेस्ड है। ठीक है, ये इसका एक सर्किट डायग्राम मैंने बताया हुआ है आपको, जिसमें हमने तीनों सर्किट में एलिमेंट लिए हैं, कैपेसिटर, डायोड और रेजिस्टेंस। जो हमने यहाँ पे इनपुट वोल्टेज दिया है, यहाँ हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ये जनरल एक डायग्राम है, जनरल डायग्राम। तो ये हमारी क्लैम्पर सर्किट के बारे में जो आपको एग्जाम में डेफिनेशन लिखनी है वो ये है। ठीक है, अब वन बाय वन कर, और हाँ क्लैम्पर सर्किट भी आपके दो तरह के हैं, पॉजिटिव क्लैम्पर और नेगेटिव क्लैम्पर। अब हम वन बाय वन देख लेते हैं। ठीक है, क्लैम्पर सर्किट इसमें क्या है, इसे डिज़ाइन किया जाता है तीन एलिमेंट से मिलकर, एक डायोड, एक रेजिस्टेंस, एक कैपेसिटेंस। क्योंकि हम रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस यूज़ कर रहे हैं तो इसमें टाइम कांस्टेंट एक वर्ड आपका यूज़ होगा, जिसमें टाइम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट किया है टाउ से, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर सी, जहाँ पे आर है आपका वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस और सी है आपका वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, और ये तीन एलिमेंट से मिलके बना है, डायोड जिसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको पता ही है, रेजिस्टेंस इस तरह से और कैपेसिटर इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। क्लैम्पर सर्किट आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव क्लैम्पर, एक होता है आपका नेगेटिव क्लैम्पर। अब जो पॉजिटिव क्लैम्पर होता है वो क्लैम्पिंग को हमेशा एक रेफरेंस लेवल जो भी होता है आपका, उस रेफरेंस लेवल के या तो ऊपर ले जाता है या नीचे ले जाता है। अगर उस रेफरेंस लेवल के ऊपर ले जाएगा तो पॉजिटिव क्लैम्पर कहलाएगा, और अगर नीचे ले जाएगा उस रेफरेंस लेवल के तो वो नेगेटिव क्लैम्पर कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट स्टडी करते हैं पॉजिटिव क्लैम्पर के बारे में। ये मैं रफ कर देती हूँ। अच्छा, क्लैम्पर का एक और नाम है, उसको आप बोलोगे कि क्लैम्पर इज ऑल्सो नोन एज डीसी ट्रांसलेटर, डीसी ट्रांसलेटर और डीसी इंसर्टर। ये इसके जनरली जो नेम है वो है डीसी ट्रांसलेटर और डीसी इंसर्टर, बट आप इसको क्लैम्पर ही बोलेंगे ज़्यादातर। ये मैंने बता दिया है कि अगर आपसे ये भी पूछा जाए तो हाँ हम इन्हें ये भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करें पॉजिटिव क्लैम्पर की, इसे मैं रफ कर देती हूँ। पॉजिटिव क्लैम्पर में हम क्या करेंगे, हम एक इनपुट पर वेव देंगे, वो हम देखते हैं हम किस तरह की देंगे। कुछ इस तरह से, ठीक है, ये हमारा जीरो टी बाय टू टी, ऐसे फर्दर आगे तक चलता चला जाएगा। ये हमारा वी, अब हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर रेफरेंस लेवल की बात कर रहे हैं जो कि है हमारा जी जीरो। तो पॉजिटिव क्लैम्पर में क्या हो रहा है हमारा, जब इसको हम पास करते हैं पॉजिटिव
क्लैंपर सर्किट से तो इसी के जो आगे बनाना है वो मैं यहाँ नीचे बना देती हूँ। तो जो आपका जो डायग्राम आएगा वो कुछ इस तरह आएगा। VDC शिफ्ट हो जाएगा 0 से लेकर के इस तरह से, ये आपका अब 2VVM हो जाएगा, 2VM 0 T/2 T, ऐसे फर्दर चलता चला जाएगा। तो शिफ्ट द एंटायर वेव फॉर्म टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड, तो ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव क्लैंपर। ठीक है, ये पर्टिकुलर DC लेवल आपका शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ, VM हम यहाँ दे रहे थे, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए, 2VM हो गया, पूरी वेव फॉर्म हमारी वैसी ही रही, बस पॉजिटिव साइड में 0 रेफरेंस लेवल से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, तो ये हमारा पॉजिटिव क्लैंपर हो गया। मतलब इस इनपुट वेव फॉर्म को जब आपने पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट से पास किया तो हमें आउटपुट वेव फॉर्म इस तरह मिलेगी। ठीक है, ये रहा आपका पॉजिटिव क्लैंपर के बारे में। अगर हम इसी में नेगेटिव क्लैंपर अगर डिस्कस करते तो थोड़ा सा चेंजेस हो जाता, मैं इसे बता देती हूँ। पूरी की पूरी वेव फॉर्म सेम रहेगी, नेगेटिव क्लैंपर यहाँ पर आ जाएगा अब आपका, ये नेगेटिव क्लैंपर से हम इस सर्किट को पास करेंगे। तो पूरा डायग्राम कुछ इस तरह हो जाएगा। अब क्या होगा, इसका जो डायग्राम है वो इस तरह आएगा, इसमें क्या होगा पूरी की पूरी वेव फॉर्म हमारी नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगी, जो हमारा रेफरेंस लेवल है उससे बिलो चला जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव क्लैंपर सर्किट। ठीक है, इसमें जो याद रखने वाली बात ये है वो हेयर क्लैंपिंग इज डन अबव बिलो, हेयर क्लैंपिंग इज डन बिलो, जो आपका बिलो में जो रेफरेंस लेबल है वहां पे। ठीक है, नेगेटिव क्लैंपर में क्लैंपिंग इज डन बिलो रेफरेंस लेवल, और पॉजिटिव क्लैंपर में क्या हो रहा था, हेयर क्लैंपिंग इज डन अबव रेफरेंस लेवल। ठीक है, ये पॉजिटिव क्लैंपर और नेगेटिव क्लैंपर के बारे में डेफिनेशन है कि पॉजिटिव क्लैंपर में जो हम क्लैंपिंग करेंगे वो जो ये रेफरेंस लेवल है 0 इससे अबव करेंगे, और नेगेटिव क्लैंपर में 0 रेफरेंस लेवल से नीचे हम क्लैंपिंग करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव क्लैंपर में हम क्या कर रहे हैं, साथ साथ शिफ्ट द एंटायर वेव फॉर्म टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड, शिफ्ट द एंटायर वेव फॉर्म टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड, और नेगेटिव क्लैंपर में क्या कर रहे हैं हम, शिफ्ट द एंटायर वेव फॉर्म टूवर्ड्स नेगेटिव साइड। ठीक है, तो आज हमने स्टूडेंट्स स्टडी किया क्लिपर सर्किट के बारे में और क्लैंपर सर्किट के बारे में। जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर लेना, और हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और आज जो मैंने आपको पढ़ाया, अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम लग रही है
तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं अगर कोई किसी भी पार्ट में कोई भी डाउट है। मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देती हूँ जो मैंने आज पढ़ाया। मैंने आपको पढ़ाया कि क्लिपर क्या होता है। क्लिपर आपके एक पर्टिकुलर पार्ट को रिमूव करते हैं, ठीक है। क्लिपर दो तरह के थे, एक सीरीज़ क्लिपर था, एक शंट क्लिप पैरेलल क्लिपर था। सीरीज़ क्लिपर में हम डायोड का यूज़ करते हैं। तो सीरीज़ क्लिपर में डायोड को हम लोड के साथ सीरीज़ में लगाते हैं। फिर हमने आउटपुट वेव फॉर्म पर डिफरेंस देखा कि क्या मिल रहा है हमें आउटपुट वेव फॉर्म। और फिर पैरेलल क्लिपर में हमने क्या करा, डायोड को लोड के साथ पैरेलल में कनेक्ट करा। फिर हमने देखा कि वेव फॉर्म पर हमें क्या डिफरेंस मिल रहा है, डिफरेंट मिल रहा है। और दो एक बार दोनों में बैटरी अप्लाई नहीं करी, और फिर दोनों में हमने बैटरी अप्लाई करके आउटपुट देखा, सीरीज़ में और पैरेलल में, ठीक है। अब आगे हमने देखा क्लैंपर सर्किट के बारे में कि क्लैंपर क्या होते हैं। सीरीज़ में हम डायोड का यूज़ कर रहे थे। क्लैंपर में जो मेन सर्किट एलिमेंट है वो है हमारा कैपेसिटर। हालांकि इसमें हम तीन एलिमेंट यूज़ करते हैं, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस और डायोड। अब क्लैंपर सर्किट का मतलब क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर जो आपका वेव फॉर्म होती है उस पर्टिकुलर वेव फॉर्म के डीसी लेवल को या तो अबव रेफरेंस लेवल शिफ्ट करता है या बिलो रेफरेंस लेवल शिफ्ट करता है, बाकी आपकी वेव फॉर्म विदाउट डिस्टॉर्शन एज इट इज़ आउटपुट पर मिल जाती है। अब क्लैंपर सर्किट भी आपके दो तरह की थे, पॉजिटिव क्लैंपर और नेगेटिव क्लैंपर। तो स्टूडेंट्स, आज क्लिपर और क्लैंपर के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, और साथ साथ हम वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट के बारे में स्टडी करेंगे। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है कि जैसा कि स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कब तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं इसे जल्द से जल्द कंप्लीट कर दूंगी। लेकिन आपको जितना पढ़ाया जा रहा है ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से स्टडी करें। और हाँ, हमारे जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर लेना। आई होप आपको सब समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट और जीनर एज ए शंट रेगुलेटर, या फिर ये कह लीजिए जीनर को एज अ वोल्टेज रेगुलेटर कैसे यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। थैंक यू।